मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद हैं मुंब्रा के दरगाह रोड पर। आप देख सकते हैं यहाँ की जो है मुबीन अपार्टमेंट बी विंग के जो है चौथे मंजिले पर भयानक आग लगी हुई है। ये आग अभी कुछ ही देर हुआ है लगे हुए, और जो ये रूम में जिस रूम में ये आग लगी है उस रूम के जो मकान मालिक है उनका नाम जो है जफर बताया जा रहा है। फिलहाल जिस वक्त ये आग लगी है उस वक्त इस घर में कोई था नहीं, वो लोग घर से बाहर कहीं पर गए हुए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो है इस आग बुझाने की जो है कोशिश की जा रही है। चौथा मंजिला है जिस जहाँ पर आग लगी हुई है, और फायर ब्रिगेड की जो है गाड़ियाँ यहाँ पर फिलहाल जो है दो गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। आग बुझाने की जो है कोशिश की जा रही है यहाँ से, और तमाम जो है यहाँ पर फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं यहाँ पर जो है आग बुझाने की जो है कोशिश की जा रही है। फिलहाल आग अभी कुछ ही देर हुआ है लगे हुए ये आग, और देखते ही देखते आग जो है ये जो है विकराल रूप ले ली है। चौथे मंजिले पर जो है ये आग लगी हुई है। यह इमारत का नाम मुबीन अपार्टमेंट बी विंग बताया जा रहा है। चौथे मंजिले पर आग लगी हुई है। आप आग देख सकते हैं कि कितनी भयानक है। आप कर्मचारियों को भी, दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको भी देख सकते हैं कि किस तरह से वो आग बुझाने की जो है वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन करीब 15 से 20 मिनट ये लगे आग हो चुका है, और आग जो है बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग बुझ रही है उसके बाद फिर विकराल रूप लेते जा रही है। फिलहाल अच्छी बात ये रही कि घर में जो है अभी तक कोई था नहीं, सब लोग घर से कहीं बाहर गए हुए थे। जो जानकारी मिल रही है इसी तरह की, घर में कोई था नहीं, और आग लगने की वजह जो है शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है मुंब्रा का दरगाह गली इलाका है, काफ़ी भीड़ यहाँ पर हो चुकी है और ट्रैफिक भी यहाँ पर जो है जाम हो चुकी है, क्योंकि आग जो है बुझाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। अभी फिलहाल जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है जो आग बुझाने की कोशिश की जा रही है फिलहाल। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह जिस तरह से दमकल विभाग आग बुझाने की कोशिश कर रही है, इतने ही जो है वहाँ से भयानक धुआं निकलते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि आपको दिखाना चाहेंगे कैमरामैन से कि जो चौथा मंजिला है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अभी भी कुछ वहाँ पर दमकल के कर्मचारी हैं, इमारत को जो है यहाँ से पूरी तरह से जो है सुरक्षा के लिहाज से जो है खाली करा लिया गया है। दमकल विभाग के कर्मचारी हैं जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आग यहाँ पर जो है अब बुझाने की कोशिश की जा रही है। लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो है भीड़ इकट्ठा हो रही है, और ट्रैफिक भी जो है जाम है, क्योंकि आग यहाँ पर जो है एक विकराल रूप ले चुकी है। हालाँकि आग और भी तेज़ होती जा रही है। ये मुबीन अपार्टमेंट बी विंग जो है चौथा मंजिला है, जो मकान मालिक है उनका नाम जफर बताया जा रहा है। जो आग लगने की वजह है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल ये कंफर्म नहीं कह सकते कि आग की वजह शॉर्ट सर्किट ही हो सकती है। ये जांच का विषय है, दमकल विभाग इसकी पुष्टि करेगी कि आखिर आग कैसे लगी, क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या आग लगने की कोई और भी वजह हो सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, आप देख सकते हैं दमकल के जो कर्मचारी है वो लगातार जो है यहाँ से जो है जो काम अपने राहत में लगे हुए हैं, आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी जो है दमकल की दो गाड़ियाँ यहाँ पर जो है मौजूद हैं, और काफ़ी भीड़ है जिसकी वजह से जो है दमकल कर्मचारियों को भी काफ़ी जो है मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है आग बुझाने के लिए, क्योंकि भीड़ यहां पर काफ़ी है। अब लोगों को हटाया जा रहा है, जो यहां पर पुलिस पहुंची है वो लोगों को हटाने की यहां पर जो है कोशिश कर रही है कि किसी तरह से लोगों को यहां से हटाया जाए ताकि उन्हें आग बुझाने में आसानी हो सके, और लोगों को अब पीछे किया जा चुका है। लेकिन आग अब देख सकते हैं कि जो आग लगी हुई है चौथे मंजिले पर वो आग बुझाई जा रही है। फिलहाल जो है अभी धुआं उसमें से निकल रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से ये आग लगी है इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि घर में जो सामान है वो बचना जो है मुश्किल होगा, यानी पूरी तरह से सामान जो है जलकर राख हो गए होंगे, क्योंकि जिस तरह से ये आग लगी थी, जितनी भयानक ये आग है इससे अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि सामान जो है वो पूरी तरह से जल चुके होंगे। लेकिन फिलहाल आपको दिखा दें कि जो है लोगों को अभी भी हटाया जा रहा है, लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें पीछे किया जा रहा है। जो पुलिस है वो उन्हें पीछे कर रही है। दमकल कर्मचारी जो है वो लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो जानकारी मिल रही है कि जो ये आगे आप देख सकते हैं जाली है, उस जाली में जो है बताया जा रहा है, कुछ लोग यहाँ पर बता रहे हैं
कि जो है कबूतर उसमें जो है पाले हुए थे, जो मकान मालिक और कबूतर जो है पाले थे, लेकिन शायद कबूतर जो है वो जल चुके हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है हमें। लेकिन फिलहाल अभी तक जो है आग बुझी नहीं है, आग बुझाने का काम यहाँ पर जो है जारी है। आगे इस आग पर क्या अपडेट रहेगा हम आपको इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि अभी भी आग बुझी नहीं है, आग बुझाने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।